कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आनी तय है, ऐसे में सरकार को अभी से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। राहुल गांधी ने कांग्रेस की ओर से श्वेत पत्र जारी करते हुए सरकार से गलती सुधारने की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा कि श्वेत पत्र जारी करने का मकसद सरकार को रास्ता दिखाना है। मीडिया को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वैज्ञानिकों ने कोरोना की दूसरी लहर के लिए सरकार को चेताया था, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। दूसरी लहर संभालने में सरकार विफल रही है। दूसरी लहर में जिनको बचाया जा सकता था लेकिन बचाया नहीं गया। दूसरी लहर से 90% मौतें सुविधाओं के अभाव में हुई है। सरकार की लापरवाही से लाखों की जान गई, करोड़ों लोग कोरोना से प्रभावित हुए क्योंकि अस्पतालों में बेड्स की कमी, ऑक्सीजन की कमी दूर रहने के लिए सरकार ने कोई तैयारी नहीं की थी। अब तीसरी लहर, चौथी लहर आने की संभावना है। पूरा देश जानता है कि तीसरी लहर आने जा रही है, ऐसे में सरकार को पहले से ही इसकी तैयारी करनी चाहिए। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। Life24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।